बेटा साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है, बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू राणावत। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। क्या रिस्पॉन्स मिला फिल्म के पहले गाने को? क्या बोले अहमद लैला के किरदार को लेकर? क्या टाइगर और तारा की जोड़ी मचाएगी धमाल? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पहले फिल्म के आने के बाद फिल्म के गानों की चर्चा हुआ करती थी, पर अब वो जमाना नहीं। अब तो फिल्म के आने से कई पहले ही फिल्म की चर्चा और उसके गानों की चर्चा होने लगती है। आज हम भी इस वीडियो में फिल्म हीरोपंती 2 के नए गाने की चर्चा करने वाले हैं। गाने का नाम है जलवा नुमा, पर शायद गाना अपने नाम के साथ सूट नहीं करता, क्योंकि फिल्म के गाने ने वो जलवा अभी तक नहीं बिखेरा। गाने को आए कई घंटे हो चुके हैं, पर उस पे अभी तक मिलियन व्यूज तक नहीं आए। यहाँ तक कि गाने के टीजर पर भी लोगों का ध्यान नहीं गया। गाने में टाइगर और तारा दोनों का आउटफिट पूरा ब्लैक दिखाया, जिसमें कई लोगों की बैकग्राउंड परफॉर्मेंस भी दिखी। गाने के अंदर एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बनाते दिखे तारा और टाइगर, पर उनकी केमिस्ट्री ना ही एक दूसरे के साथ और ना ही लोगों के साथ बनने में कामयाब रही। फिल्म हीरोपंती 2 में हमें टाइगर के साथ बॉलीवुड के मास्टरपीस कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी भिड़ते दिखाई देंगे। नवाज इससे पहले भी टाइगर के साथ काम कर चुके हैं, पर फिल्म में नवाज और टाइगर के इंटेंस फाइटिंग सीन हमें देखने को नहीं मिले थे, जो शायद इस बार देखने को मिल सकते हैं। बात करें फिल्म में नवाज के किरदार की, तो वो फिल्म में लैला का किरदार करते दिखाई देंगे, जो उनके अब तक के किरदारों से काफी हटके होने वाला है। इस किरदार को लेकर फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान की पहली और आखिरी चॉइस नवाजुद्दीन ही थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में लैला के लिए नवाज भाई का ही ख्याल आया, और उन्होंने ये बना लिया कि जो डेप्थ और पेन लैला के किरदार में दिखना चाहिए वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो है नवाजुद्दीन, और वो ये किरदार बखूबी निभाते भी दिखाई दे रहे हैं। 2014 में हीरोपंती से अपना करियर शुरू करने वाले टाइगर श्रॉफ अब उसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। फिल्म में हीरो तो वही है, पर हमें हीरोइन दूसरी नजर आ रही है। फिल्म के अंदर तारा सुतारिया, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू टाइगर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से करा था, वो हीरोपंती 2 में भी उनके साथ दिखाई देंगे। फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद ज्यादा कुछ फिल्म के बारे में पता नहीं लग पाया है, पर जहां तक दिखा उससे यही पता लगा है कि इस बार तारा टाइगर के आगे पीछे नाचती दिखाई देंगी, उनके प्यार में पड़ी एक हीरोइन का किरदार निभाते हुए। फिल्म ने आज ही अपना पहला गाना भी लॉन्च किया, जिसमें तारा और टाइगर की जोड़ी वो कमाल करती नहीं दिखी, और ट्रेलर में भी उनकी केमिस्ट्री इतनी दिखाई नहीं दी, जिसको देखते हुए यही लगता है कि फिल्म में टाइगर तारा की जोड़ी को एक बार फिर निराशा ही मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिल्म के गानों की तरह फिल्म को भी झेलना पड़ेगा दर्शकों की कमी का शिकार? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।